क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कल 29 तक के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 30 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, जी सो पीस ऑफ फाइंड आगे वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स। ये फंक्शन दे रखा क्वेश्चन में, आपके फंक्शन की वैल्यू हमें ये बताना कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट इज एविडेंट दैट द गिविन फंक्शन, फंक्शन जो है एविडेंट है यानी कि प्रत्यक्ष है, आपको सामने दिखाई देगा। एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट ऑफ द रियल लाइन, रियल लाइन पर सभी पॉइंट पर जो डिफाइन है। एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने एक्स इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पे देखो हमने 2 तो पहले 2 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे पहले की तरह, बिल्कुल सेम एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच में एक्स जो है 2 से कम है तो 5 आएगा फंक्शन की वैल्यू, तो ये आ गया 5। अब आर एच है, इसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा यह है ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू 2 से फंक्शन रखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। इसमें जहां पर एक्स रखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे हम 2 प्लस एच, एक्स की जगह, और फिर इसमें लिमिट रख देंगे एच की जगह 0, ये आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू एक्स इजिकल टू 2 पे 5 है, वो यहाँ से पता लगेगा एक्स इजिकल टू 2 पे 5, फंक्शन की वैल्यू एक्स इजिकल टू 2 पे 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है कंटिन्यूअस में, तो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2a प्लस बी है, इसकी वैल्यू 5, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही tan पे चेक करेंगे, सेम लेस देन tan जब निकालना है tan माइनस एस तो ये वाला फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन tan निकालना है तो इस वाले फंक्शन को लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी tan a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 21, और फंक्शन की एफ इजिकल टू 10 पर जो वैल्यू होगी वो 21 है, तो यहाँ से पता लग रहा हमें एक्स इजिकल टू 10 या इजिकल टू वाले साथ एक्स इजिकल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू 21। तो ये तीनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है कंटिन्यूअस होने की वजह से। लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी हमने, ये राइट हैंड लिमिट लिख दी, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सोल्व करना, मैंने 2 वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10a में से 2a गए 8a, b में से b गया 0, 21 में से 5 गए 16, तो a की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पे हम रखेंगे 2, ये आ जाएगा 4 प्लस बी इजिकल टू 5, बी की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 1, ये हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट्स ऑल।